इसमें ह्यूमन राइट्स की तरफ से क्यों कराया का कामधेनु की तरफ से करते हैं All message, share screen, turn on captions, keep well, report abuse. Message देने का किसी को तो कैसे? Message देने का? In call message? सभी आ रहा होगा एक
उसने फोन किया कि मैंने देख लिया आपने ज्वाइन कर लिया। और फोटो भी जाएगी हो? जाएंगे। कुर्ता पहनो नहीं दिख रहा। आपका माइक भी ऑफ है? माइक ऑफ कर दिया नमस्ते भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। अजीत भाई साहब, भाई साहब नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? अजीत भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आपकी आवाज अब आ रही है। अब आ रही ना? हाँ, धन्यवाद जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है अभी शशि जी? हाँ जी, हाँ जी, तब आवाज नहीं आ रही थी आपकी। नहीं, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्ट है, मैंने
ईयरफोन निकाला। विजय जी नमस्ते, सभी को नमस्कार। जून भाई साहब और विजय जी, सभी को नमस्कार। रवि जी, जय गौ माता। हिमांशु जी, थोड़ी लाइट आपके चेहरे पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। अनिल जी भाई साहब नमस्ते। आपको देखने से दिल्ली याद आ रहा है। भाई हमें आपको देखने से पूरा भारत नजर आता है। नहीं आप भी कमाल करते। मेरे हिसाब से जो अनम्यूट है, जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी बातचीत चल रही है सबके पास में पहुँचती है, तो जिनको बोलना है वो जरूर म्यूट करके भला अनम्यूट किया जाए, बाकी नहीं तो म्यूट कर दें तो बाकी आवाज़ नहीं आएगी। शशि जी, बहन जी, और कौन कौन आने वाले हैं? सभी लोग हमारे बीच में, अभी जितने लोग हैं मैं सभी को परिचय करा देती हूँ। हमारे बीच में अखिल भारतीय गो सेवा सह प्रमुख माननीय अजीत भाई जी हैं, और आप सभी उनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। राजनीति को छोड़कर, राजनीति को राजनीति को छोड़कर बाकी सारे भाई साहब, आपको शायद उनसे चर्चा करनी है। मीटिंग शुरू हो चुकी है। अभी सभी लोग ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर उसके बाद और 5 मिनट इंतजार करके फिर स्टार्ट करते हैं। चलो राजनीति वाले आ गए हैं। अजीत जी, आप कहाँ राजनीति हैं? राजनीति वाले आ गए हैं। भले भाई जी, आप तो मेरी संग चालक हो। जी जी, नहीं तो आप जैसे कहेंगे। मैं वल्लभ भाई को नमस्कार। वल्लभ भाई जी को मैंने आज भी, पता नहीं मेरे मस्तिष्क में आज भी नहीं आता है कि वो 4 बार सांसद हो गए हैं, मंत्री थे, अभी कामधेनु आयोग के 4 पर्सन हैं, ये आता ही नहीं। मेरे को लगता है राजकोट की संगत जाला है। और आयुर्वेदिक के ऊपर में बहुत अच्छा इसका दिया है। नमस्कार। ज्ञानेंद्र जी नमस्ते। अच्छा है, लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ में हैं, ये सबसे बढ़िया है। जी। बल्ले भाई को कहना पड़ेगा कभी कभी बहन जी को साथ में बैठाओ। गायक का काम अकेले नहीं होता, गायक का काम पूरी परिवार करते हैं, तो माता भगिनी लोग तो अच्छी बात है। आज माता भगिनी जुड़ना ही पड़ेगा, पूरा परिवार को लेके बैठनी पड़ेगी। और सुशील जी, सरकीले सीता है अपनी साइड में, 43 लोग ज्वाइन हो गए हैं। 32 लोग तो आ ही गए।
43 बता रहा है। हाँ टोटल स्क्रीन को छोड़कर 32 है, कुल मिला करके 43 है, 42 है, 43 ऐसा एक एक इधर उधर होते रहते हैं। जहाँ जहाँ अनमिट हुआ है मतलब भाई मैंने जब वो डिस्कशन की बात बताई तो मैंने कहा राजनीति डिस्कशन छोड़ करके बाकी सारे डिस्कशन हो सकते हैं। आप अधिकृत हो मैं कर सकते हैं आप। हमारे बीच में डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी हैं और चार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 1996 से 2009 तक। और जिस समय माननीय अटल जी की सरकार थी तब ये स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री थे और अभी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो हम सबके बीच में हैं और आज हमारा मार्गदर्शन वही करेंगे। जी आलोक जी है, आलोक बंसल जी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो पुरी जी प्लीज आप देखिए कि आवाज कैसे नहीं पहुंच रही। जो है पुरी जी, है। जी मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है पहुंच भी नहीं रही है आवाज क्योंकि हम नाम ले रहे हैं जैसे तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी सबको आवाज आ रही होगी। सभी को आवाज पहुंची। आलोक जी आपका मैसेज आया मेरे पास कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज कम आ रही है, आवाज माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। हाँ कर लिया कर लिया। हाँ तो फिर तो आनी चाहिए, हमें तो आ रही है। अभी आ रही है क्या? चलो अभी आवाज आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है शशि जी। हाँ जी हाँ जी हमारी हमें आवाज। ठीक है ठीक है। आपका मैसेज अभी ऊपर आया था शशि जी, मेरा 6 बजे और एक प्रोग्राम है बंगाल के पूरे बंगाल असम ग्रुप के साथ में, तो कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं। हाँ स्टार्ट कर ले तो अच्छा है। हाँ जी सभी को जय गो नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल। नमस्कार नमस्कार। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी हैं और ये 1996 से 2009 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और जिस समय माननीय अटल जी की सरकार थी उस समय इनके पास MOS स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री रहा और इस समय राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सभी के बीच में हैं और आज हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय अजीत महापात्रा जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय गो सेवा सह प्रमुख हैं
वो हमारे बीच में है, मैं भी हमें उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब। जी जी पहले कोई मंत्र वगैरह पढ़ लें भाई साहब? वो तो हमारे आदरणीय अजीत जी को ही कहना पड़ेगा। चलिए मैं मंत्र कर लेता हूँ। सभी प्रणाम की स्थिति नमस्कार की स्थिति में आ जाए। श्री सुरभे नमः। सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थि विसेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुये। लक्ष्मीर्जलोकपालानां धनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति जक्षारथ मम पापं व्यपोहतो। श्री सुरभे नमः। जय गो माता। प्रारंभ कर सकते हैं। जय गो माता। जी जी मेरा कहीं शायद पता नहीं वो ये ना मेरी आवाज तो आ रही है ना? कम आ रही है भाई साहब थोड़ी। अब आ रही है? हाँ जी अब आई। जी जी आवाज आई है लेकिन मेरा ये क्यों नहीं आ रहा है? फेश आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं आपने वीडियो ऑन करिए भाई साहब। आप वीडियो ऑन करिए। करिया वीडियो ऑन किया अब आया? नहीं आया अभी तक। नहीं आप वीडियो ऑन नहीं हो। पुरीश वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। मैं पुरीश को बात करता हूं। पुरीश लेकिन की टीम आप मेरा वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हेलो पुरीश तो क्लियर सब आ जाएगा। पुरुष जी ऑलरेडी जी है नाउ कर लीजिए। पुलिस बेरा क्यों नहीं आ रहा है? एक बार लॉग आउट सर। एक बार लॉग आउट सर। एक बार तो कर दिया मैंने। मैं सब लॉग आउट नहीं हुए। नहीं 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 हुए थे। एक बार पूरा कर लीजिए। लॉग आउट हो जाता है। चलो एक बार अपने आप एक बार पूरा कर लीजिए। नहीं हुए थे। कंटीन्यूअस दिख रहा है। हां लॉग आउट की बात कर रहे हैं। आपका दो प्रोफाइल खोला हुआ है। सर एक बार रेड वाले बटन रेड वाला का बटन भी कर दिया। चालू तो कर दे बोले पर दूसरे। यस सर हेलो आ गए अभी आप आ गए। आवाज आ रही है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा ना। आ गए दूसरा आ गया। चलो अभी दूसरे मेरा तो बाइक आ रहा है। आवाज सुना दी लेकिन एको काटने के बाद में ठीक रहेगा। एक म्यूट कर दीजिए। इनको आ रहा है। मोबाइल बंद कर दीजिए।
दूसरा को आप म्यूट कर दीजिए। अब ठीक आता है? अब ठीक आता है। हाँ जी, दूसरे को म्यूट कर देता हूँ। दूसरे को म्यूट कराइए। जय गो माता, सबको वंदन है। आदरणीय अजीत जी, शशि जी, हम बाकी के सभी जितने भी लोग आए हैं सबको हमारा वंदन, नमस्कार। बड़ी प्रसन्नता की विकसित सुखमय भारत, आदरणीय शशि अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम आजकल पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान पर आज उन्होंने इको फ्रेंडली दीपावली के नाम पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। जब इको फ्रेंडली दीपावली की बात आती है तब मुझे याद आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 28 जून को जब अपने मन की बात कार्यक्रम में बात कही थी कि अभी जो जो चातुर्मास चल रहे हैं उसमें उस समय की बात थी कि अनेक उत्सव आ रहे हैं, जन्माष्टमी, अभी हमारा गणेशोत्सव गया, उसके बाद नवरात्रि, विजयादशमी, बाद में आएगा शरद पूर्णिमा, धनतेरस, दीपावली, हमारे गुजरात में नया साल भी आता है तो नया नूतन वर्ष, उसके बाद भाई दूज, उसके बाद आगे जाएंगे तो लाभ पंचमी और आगे जाएंगे तो गोपाष्टमी, तो ये पूरी उत्सव की श्रृंखला शुरू हो रही है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार इको फ्रेंडली हम आइटम का उपयोग करें इस उत्सव के दरमियान, और आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हमारा पूरा हुआ काफी मात्रा में। पहला हमारा प्रयास था, पूरे देश में हमने एक इको फ्रेंडली गणेश था में गणेशा के नाम से अभियान शुरू किया, और आज ये धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता ये अभियान अभी इको फ्रेंडली दीपावली तक आगे पहुंच गया है। और जब इको फ्रेंडली दीपावली की बात करते हैं तो दीपावली एक निमित्त है, आने वाले दिनों में इको फ्रेंडली आइटम्स का अपने जन जीवन में, घर व्यवहार में कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगे, ये बात को हमें धीमे धीमे प्रसारित करना है। और उस तो हम कहेंगे कि इको फ्रेंडली गोमय दीपावली, और इस बार का हमारा उत्सव दीपावली नवरात्रि से लेकर जैसे मैंने बोला सभी उत्सव कैसे गोमय दीपावली गोमय उत्सव बने इसके लिए हमें प्रयास करना है। मैं आज फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री से इसीलिए याद करूंगा कि महात्मा गांधी जी के बाद ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली पर्यावरण पूरक और प्रदूषण मुक्त बात कहकर के गुजरात में जब वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सोलार सिस्टम की बात हो इको फ्रेंडली के लिए, हमारे यहाँ ट्री प्लांटेशन की बात हो, अलग अलग प्रकार के वन महोत्सव की बात हो, वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, हमारे यहाँ बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड का उपयोग करने के लिए ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी की बात हो, ऐसा कार्यक्रम शुरू हो गया है तो जरा सुनाई देता है ना अजीत जी, मेरा शशि जी सब सुना दे रहा है ना, तो जरूर चाहिए मैं मान गया जी, सुनेंद्र है सुनेंद्र है। हाँ बस तो शशि जी मैं आपको अनुरोध करता हूं कि बाकी सभी को म्यूट कर दें, केवल बल्लभ भाई का रहे। वो मैं एडमिन नहीं हूं, पुरीश जी हैं तो वो कर सकते हैं। पुरीश जी करिए। हाँ बाकी को म्यूट कर दें ताकि वो उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। माय एडिबल यू आर एडिबल बट काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सर अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। नाउ डॉक्टर बल्लभ भाई कतरिया जी डिलीवर हिज स्पीच, काइंडली गिव हिम द चांस, वी हैव बहुत स्वल्प समय है, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ
लिख दियो ना तीन आठ में क्या देख सभी कृपया आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए तो उसे बल्लभ भाई आपका म्यूट है बल्लभ भाई आपका म्यूट है अनम्यूट करिए बल्लभ भाई साहब म्यूट है आपका अनम्यूट करिए हेलो यस यस सर अब मेरी आवाज सुनाई दे रही अरे अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब अरे है ना अरे 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 एक गड़बड़ है थोड़ी सी हमारे यहाँ कटिंग में इसी समय हम जब इको फ्रेंडली दीपावली बनाने जा रहे हैं तो मेरा खास अनुरोध रहेगा कि इस समय क्लाइमेट चेंज इश्यूज के बारे में आज पोस्ट कोरोना में हमने जब तय किया है कि न्यू नॉर्मल और लाइफस्टाइल पूरा एक चेंज करने की आवश्यकता है वैसे समय में दीपावली को निमित्त बना करके सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की फिलोसॉफी को ध्यान में रखते हुए ऐसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज करने के साथ साथ हम सोशल और नोबल ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए ऐसे आगे बढ़ते जाए और उसमें हमारे गो माता का योगदान गो माता को याद करके गोमय दीपावली इको फ्रेंडली दीपावली कैसे मनाए उसके बारे में मैं थोड़ी सी मैं विचार रखूंगा बाद में आदरणीय अपने अजीत जी भी रुकेंगे तो इस समय जो आया है ऐसे समय में इको फ्रेंडली जब दीपावली की हम बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया अभी मैं जो दिखा रहा हूँ एक गोमय से बने हुए गणेशा से हमने शुरुआत की थी छोटी मोटी ऐसी गोमय गणेश की अनेक मूर्तियां अभी हमने एक जो मिला है बताया कि कैसे अपने घर में भी परमानेंट बेस पर ऐसी पीछे ऐसी स्टैंड है ये स्टैंड रख करके कैसे हम गणेश जी को घर में रख सके ऐसे अपने शोरूम में अपने ड्रॉइंग रूम में अपने पूजा रूम में तो ऐसे ये गोमय गणेश ऐसे लक्ष्मी जी इसके आगे हम जाएंगे तो ये नंदी महाराज देखिए नंदी महाराज है क्या गो माता और नंदी महाराज ये भी गोमय से बने हुए हैं जो दीपक की तो बात कर ही रहे हैं तो गोमय से बने अनेक दिए बनाने के लिए भी हमें कैसे उपयोग करना है उनका क्या आगे बढ़ना है तो ऐसे दिए बना करके हमें पूरी अपनी दीपावली जो दीपोत्सव बनाएंगे ऐसे समय में ऐसे दिए का उपयोग इसके साथ साथ घर में हम अलग अलग बहुत सी ऐसी आइटम है जिसमें भी हम इस बार इको फ्रेंडली दीपावली में उपयोग कर सकते हैं हमने जब घर में जब रंगोली करेंगे हम घर में जब अच्छी सजावट करेंगे उसमें भी गोबर का उपयोग रंगोली में भी गोबर का उपयोग करके वृक्ष या तो थोड़ी हमारी जो घर में पेंटिंग करना दीवार पर वॉल पेंटिंग करना कहीं ना कहीं ऐसे शुभ लाभ जो हम लिखते हैं घर में शुभ लाभ ये देखिए ये लिखा जाता था शुभ लाभ ये भी हम अपने घर पे अच्छी तरह से दीवार पर लगा सकते हैं कहीं ना कहीं और ऐसे देखिए ये भी हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ऐसा लिखा हुआ ये टेबल पीस है अपने ऑफिस में अपने घर में कहीं भी ये टेबल के रूप में कोई भी जो भी आइटम रखना चाहते हैं आपको जो लगता है कोई भी ऐसा श्लोक रख करके भी या तो फोटो फ्रेम ये फोटो फ्रेम में भी बढ़िया आप काम कर सकते हैं तो ये सभी आइटम को हमें धीमे धीमे हमें घर में एक प्रचलन के रूप में लाना है केवल दीप नहीं चलेगा दीप तो एक निमित्त है ये जैसे मेरे पास है तो धूप बत्ती है हम जब दिया जलाएंगे बाकी का घर में भी जब धूप करेंगे अग्निहोत्र करेंगे आजकल जो फ्यूमिगेशन कोरोना के कारण करने की शुरुआत हुई है वैसे समय में ये धूप बत्ती
इनका भी उपयोग हमें करना है। उसके साथ ये ओम, ये श्री, देखिए छोटी छोटी आइटम है लेकिन सभी एक ओम से बना हुआ है। इससे भी आगे जाएंगे, ये गोमय और गोमूत्र से बना सैनिटाइजर है। आजकल जो सैनिटाइजर की बात हो रही है, प्रॉब्लम कर सकते हैं, डिसीज, बाकी की प्रॉब्लम। ऐसे समय में गाय के गोबर गोमूत्र से बनाया हुआ ये सैनिटाइजर, इनका भी उपयोग में प्रचलन करें। इससे आगे जाएंगे तो ये नस्य ड्रॉप, ये भी पंचगव्य से बने हुए नस्य ड्रॉप, इनका भी उपयोग करना शुरू करें हम। सुबह में हमारा एक सेमिनार था तब बात हुई थी कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं बार बार, और उसमें भी वो मोबाइल के लिए हमें रेडिएशन से बचना है, तो ये मेरे पास मोबाइल की चिप बनाई हुई, एकदम छोटी चिप है। मैं आपको बात करूंगा कि मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया था और मेरा वहां ऐसे ही एक दो संस्कृति के बारे में ही हमारे NRI मित्रों के साथ मेरा वार्तालाप था। लगभग 100 से ज्यादा NRI हम होटल में खड़े बैठे थे और मैंने ये चीप बता करके बाकी बात की, तो उसी समय हमारे यहाँ के कलकत्ता के एक कार्यकर्ता है, उनकी बेटी वहां थी, और हमारे कार्यकर्ता जो गौ सेवा कर रहे हैं, उनकी बेटी ने एक वो ऐसी चीप उन्होंने निकाली। अरे मैं सर, मैं तो ये चीप यहाँ अमेरिका में बेच रही हूँ। आपको पता चलेगा, मैं कहना चाहूंगा कि तीन चीप का ये पैकेज वो $10 में बेच रही थी। हाउ मेनी डॉलर्स? $10। और लोग हंस करके खरीद रहे थे कि चलो इस बार हम गौ सेवा तो हमारी हो जाती है, तो ये बात है। वैसी तो गोमे चीप इंडियन करेंसी में डॉलर बता दीजिए। ये मेरे पास बैग है, कैरी बैग, देखिए कैरी बैग, ये कागज गोमे के कागज से बनी हुई है। हमें ये भी जब इको फ्रेंडली दीपावली बनानी है तो गोमय से बने हुए ऐसे कैरी बैग बनाना है, जो बना रहे हमारे युवराज शर्मा जी जयपुर में, तो ऐसे इनका भी उपयोग ऐसे हम करें। ये देखिए ये भी बैग है और ये पूरा मेरे पास जो ये है पूरा फाइल कागज, ये पूरी फाइल, ये फाइल पूरी इको फ्रेंडली बनी हुई है, तो ऐसी इको फ्रेंडली गोमेज और गोबर से बनी हुई ये फाइल है। ऐसी बहुत सी आइटम है जिनको हम इस बार दीपावली में अपने घर में अपने साथ उपयोग करके हम गोमय दीपावली दीपक वाली दीपावली के नाते वातावरण पूरा गोमय का, पूरा वातावरण गौ संस्कृति आधारित दीपावली का, पूरे हमारे जितने भी उत्सव है उत्सव का है, ये उत्सव में गाय को प्राधान्य देने का हम काम करेंगे। तो ये एक सही मायने में एक अच्छे रूप में हम गाय की जो लिए हमारा उद्देश्य है गौ संस्कृति का जागरण, हमारा उद्देश्य है गौ विज्ञान को समाज के सामने आगे लाना, गौ संवेदना जगाना, लोगों को गाय के बारे में सही बातें सुनने को मिले, समझने को मिले, उपयोग में मिले, ताकि उनका भी कल्याण हो, व्यक्तिगत भी कल्याण हो और सामाजिक कल्याण हो और विश्व कल्याण भी हो। मैं मानता हूं उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये कहूंगा कि ये ऐसा हम प्रयास आने वाले दिनों में करना चाहिए कि हम अपने घर में गौ माता अपनी देसी गाय का दूध का ही प्रयोग करेंगे, दूध लेना ही शुरू करेंगे, वही दूध हम खाएंगे पिएंगे, वो दूध का ही मक्खन छाछ उनका घी ये लेना हम शुरू करेंगे। तो एक गौ वृत्ति के नाते धीमे धीमे समाज में एक पूरा वातावरण गौ आधारित समाज व्यवस्था का खड़ा करने में हमारी ये टीम एक निमित्त बन पाएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जब वो गाय की घी की बात करेंगे तो उनका उपयोग के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में चर्चा होगी। जैसे मैंने सैनिटाइजर की बात करी, गौमूत्र और लेना शुरू करें आजकल हमारी पॉजिटिव हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गौमूत्र और इमीजिएटली बहुत सरलता से गौशाला में मिलता है, उनका उपयोग करें। उससे आगे फिनाइल, आज मेरे पास यहाँ फिनाइल की बोतल नहीं है लेकिन गोनाइल या तो फिनाइल का उपयोग हमारे घर की स्वच्छता के लिए एक सैनिटाइजर के रूप में अपने घर में उपयोग करें। इससे भी आगे
सब हम घर में रहते हैं, हमारे बाग बगीचा है, थोड़ा सा किचन गार्डन है, या तो थोड़े से पौधे होंगे, या तो हमारा फार्म होगा, तो उसमें क्यों ना हम गाय के गोबर गोमूत्र से बने हुआ बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें। ये भी एक मौका है। इसके बारे पूरी एक श्रृंखला गोमय समाज वाली बन जाएगी। मैं तो कहूंगा उसके आगे हमारे सुनील मानसिंह जी की जी है, अपने सब जानते हैं, देवला बार अपने गौशाला, उनका तो गौव्रत ऐसा है कि सुबह में पहली बार गाय का दर्शन किए बिना कुछ मुंह में नहीं लेते। गाय का दर्शन करना और गाय को रोटी या तो कोई भी गोग्रास देना और बाद में ही पानी चाय कॉफी जो भी लेना है लेते हैं। ये इतना बड़ा व्रत, इतनी बड़ी संकल्पना संकल्प, मुझे लगता है कि धीमे धीमे आने वाले दिनों में हमें ये करना होगा। दूसरी और भी बात मैं करके मेरी बात खत्म करूंगा कि इस बार दीपावली के समय हम गौशाला की विजिट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल को जहाँ लेकर के वहाँ उत्सव मना सकते हैं, वहाँ कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं और वहाँ जा करके एक पिकनिक भी बनाओ, पूरा वातावरण चार्ज हो जाएगा हमारा, हमें भी पता चलेगा गौशाला क्या है, बच्चों को सीखने मिलेगा, एक संवेदना बढ़ेगी उनके साथ, जो अभी चलती है ना ये फोटोग्राफी करने की बात, हगिंग की काव हगिंग की बात, तो ये सब करके एक पूरा ऐसा वातावरण हम बनाना चाहे कि आने वाले दिनों में गोमय दीपावली, ये इको फ्रेंडली दीपावली हमारा संस्कार बन जाए, हमारी लाइफस्टाइल बन जाए, हमारा जीवन व्यवहार में आ जाए और उनके आधार पर बाकी की सभी गाय से जुड़ी सभी बातें हमारे जीवन की एक पद्धति बन जाए। ये मैंने फैमिली की और व्यक्तिगत बात कही। सोशल वर्कर के नाते यहाँ मैं, मुझे पता है बहुत से लोग अनेक सामाजिक संस्थाएं अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठन में भी हम कैसे ये बात को गाय के बारे में, संस्कृति के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम, हम क्या ऐसे वेबिनार उन लोगों के और लोगों के साथ नहीं रख सकते, हम ऐसे कैंपेन और लोगों के साथ नहीं कर सकते, जहां जहां कोई क्लब सेमिनार ऐसे रोटरी है, लेडीज विंग है, उनके साथ ये दीपावली के समय हम आने वाले दिनों में ये काम करें कि चलो हम सब आगे बढ़ेंगे। इवन मैं तो कहूंगा कि बहुत सी ऐसी बिजनेस विमन है, एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं बहुत सी, मेरे अभी तो इसमें भी जुड़ी होगी बहुत सी, इनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ जुड़े, उनके वेबिनार उनके सेमिनार, हमारी अलका लाहौटी जी है, भाग्यश्री भी शायद आई होगी, बहुत सी ऐसी महिलाएं, मैं हमारा दृष्टांत दूंगा, या तो आप कोई सोशल वर्कर के नाते उनका सम्मान करें कि उनको भी लगे कि हम जो गौशाला कर रहे हैं, गाय का काम कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले गोंदिया से एक प्रीति करके लड़की दोनों आए थे हमारे पास, टीचर है, एजुकेशन में है, अपना पूरी स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, लेकिन साथ में गौशाला बनाई है और गौशाला के सभी एक उत्पाद बनाते हैं, बच्चों को गाय के बारे में संवेदना देते हैं। कहें क्यों ऐसी महिला को हम आगे न बढ़ाएं? हमारे यहाँ बहुत से इसमें आप में ही बहुत सी ऐसी महिला होगी कि कुछ ना कुछ लिखते होंगी, राइटर होगी, कोई कविता लिखते होगी, कोई कवित्री होंगी। आइए आप गाय के बारे में, गौ संस्कृति के बारे में समाज को जागृत करने के लिए ऐसा आर्टिकल लिखे पेपर में, प्रिंट मीडिया में, कहीं सोशल मीडिया में जाए, कहीं गीत गाए, तो यह गौमय वातावरण बनाने का काम हमें सबको करना होगा। और आने वाले दिनों में हमें मीडिया का भरपूर उपयोग करके ये गोमय दीपावली को गौ संस्कृति वाली दीपावली बने और लोगों को घर घर तक, गांव गांव तक ये दीप प्रज्वलन के दीप के नाते हमारा निमित्त है दीप। इस बार जैसे हमने बात कही थी सुबह में एक सेमिनार में IITM बच्चों के साथ, इस बार 11 करोड़ दिए हम एंटरप्रेन्योर को कहकर के शुरू करेंगे बनाने का, तो उसके लिए बोल्ड चाहिए, उसके लिए मशीन चाहिए, तो इसे मैन्युफैक्चरर है महिला, मेरे मुझे याद है हमारे एक अविवा करके कंपनी है अहमदाबाद में, एक बहन जी हैं, वो ऐसे गो दीपक बनाने के, ऐसे मोल्ड बनाने के अलग अलग मशीन बनाती है, तो ये इसे महिला को प्रोत्साहित करें। ऐसे मैं तो यहाँ भी कहूँगा आप भी आइए, एक एंटरप्रेन्योर के नाते संकल्प करिए कि इस बार नए साल के बाद दीपावली के बाद मैं भी एक काव एंटरप्रेन्योर बनूंगी, मैं भी एक काव एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं भी एक बिजनेसमैन बनूंगा, मैं भी एक सही मायने में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आजकल तो जमाना है जैसे अमेजोन वाला,
तो सुबह में एक बात हुई कि हम एक ऐप बनाएंगे और ऐप के माध्यम से जहाँ जहाँ ऐसे दीप या तो अलग अलग आइटम बनती होंगी उनका मार्केटिंग का काम करेंगे, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। आप शहर में रहते हैं तो शहर में जहाँ जहाँ ऐसी सोसाइटी में लोगों को संपर्क करके ऐसी आइटम कैसे वो ले सकते हैं ताकि हमारी गौशाला स्वावलंबी बने, स्वनिर्भर बने। महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप, आप कोई गांव से जुड़े हैं, लास्ट टाइम मैंने सेमिनार किया था एक ग्राम विकास के बारे में, तब मैंने कहा था कि ग्राम से हम जब जुड़े हैं, एक एक महिला शहर की कोई गांव से जुड़ी है, कहीं ना कहीं दत्तक लिया है, कहीं ना कहीं हम गांव से पुराना हमारा गांव से नाता है, ऐसे गांव में जा करके वहां की महिलाओं को एंटरप्रेन्योर को तैयार करके कैसे हम उनको एक गोबर से बनी हुई आइटम बनाने के लिए ट्रेनिंग दे, उनको आगे बढ़ाए, उनको लोन दिलवाए। अभी प्रधानमंत्री श्री ने 20 लाख करोड़ का ऐसा जो पैकेज दिया है उनका कैसे उपयोग हम ऐसे यहाँ अलग अलग महिलाओं को एंटरप्रेन्योर को देने में बनाने में कैसे आगे बढ़े। हमारी एक महिला है श्याम प्रिया चंडीगढ़ से, वो लोकायुर्वेद यानी कि हमारे डॉक्टर हितेश भाई जानी है, बहुत बड़े पंचगव्य वैद्य है, लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे आते हैं लोग सीखने आयुर्वेद और लोकायुर्वेद के माध्यम से पूरे समाज में पंचगव्य चिकित्सा के बारे में कैसे जागृति करना। पंचगव्य चिकित्सा तो करना ही, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम लोकायुर्वेद के, आपके किचन में ही इतनी औषधि है, वो औषधि को कैसे लोकायुर्वेद में कन्वर्ट करके आप पूरे समाज को, पूरे अपने फैमिली को निरोगी रख सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ के बारे में। तो ये सब बातें करने वाले आज हमारे इतने लोग हैं, उनका हम एक ग्रुप बनाए, उनका कहीं ना कहीं कंसोर्टियम बनाए, चर्चा करते रहे एक्टिविटी की, और आने एक एक के बाद एक कैसे हम पूरे देश का नेटवर्क बनाना है, एक जिला भी न छूट जाए, हर एक जिले में कहीं ना कहीं हमारी ये टीम कहीं ना कहीं गौशाला से जुड़े, कहीं ना कहीं महिला स्वयं सहायता जुट से जुड़े, कहीं ना कहीं वहाँ एंटरप्रेन्योर से जुड़े और उनको गोमय से बनाई ऐसी आइटम बनाने का जुड़े, प्रशिक्षण दिलवाने में जुड़े, उनका मार्केटिंग करने में जुड़े, मार्केटिंग करवाने में जुड़े, समाज को जागृत करने में जुड़े। दिवाली का दिवन है, दीपावली आने वाली है, तब बहुत सी कंपनियां या तो बहुत से बाकी के लोग अपनी गिफ्ट आइटम देते हैं अपने ग्राहकों को, अपने जो कस्टमर है उनके, तो इस बार क्यों ना हम ऐसा एक पैकेट बनाएं। अभी थोड़े दिन पहले ही गायत्री परिवार के हमारे एक मित्र आए हैं यहाँ मुझे मिलने, उन्होंने दीपावली के लिए और साथ साथ में अपने घर में यदि आप करना चाहते अग्निहोत्र, तो उनकी पूरी आइटम 30 दिन के 30 दिए, 30 वो वाट, इवन माचिस, उनमें घी, उनमें बाकी के कंडे, सभी आइटम, उनमें हवन की सामग्री, तो ऐसा करके एक पैकेट बनाया, एक पूरा पैकेट, और वो पैकेज गिफ्ट में देने वाले हैं। तो हम भी क्यों 5 आइटम न तय करें, एक गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, दिया, दीपक, बाद में एक टेबल पीस कोई, या तो की चेन, या तो ऐसी कोई धूप बत्ती अगरबत्ती, एक पैकेट बना करके हम समाज को देंगे, तो महिलाओं का भी रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गौशालाओं की भी आमदनी होगी, और लेने वाले शहर्स लेंगे, उनको पता है कि भाई ये गौ सेवा है मेरी, इनडायरेक्टली मैं गांव में जा करके प्रत्यक्ष गौ सेवा नहीं कर सकता, लेकिन ये गौ सेवा मैं कर रही हूँ खरीद के। तो ये पूरा माहौल बनाने का अभी समय है। हमारी एक मीराबेन भट्ट है, गौ कथा करती है 5 दिन की, आदिवासी इलाके में जाकर के 5 दिन तक गाय, गौ, संस्कृति, भागवत कथा, कृष्ण बाकी के पुराण, वेद, जितके गाय के साथ जुड़े प्रसंग, उनके माध्यम से एक गौ संवेदना जगाने का अद्भुत काम करती है। तो ये सब कामें मुझे लगता है कि ये सुखमय भारत की हमारे साथ जुड़ी हुई महिलाएं बहने काम कर सकती है। हमारे SP गुप्ता है, वह है अपने गुड़गांव में, उनकी वाइफ है शशि गुप्ता जी, वो तो खुद अपना पूरा एक गौ सेवा का प्रकल्प है ही, गौशाला के साथ पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ, लेकिन वो अच्छी लेखिका है, हर बार अच्छे अच्छे एक एक बुक बनाती है गाय के बारे में। अभी उन्होंने काउ इकोनॉमी यानी कि गाय और धर्म ऐसा बुक बना करके महिला और गाय, तो बहुत से आर्टिकल लिखना, इनकी बुक बनाना, तो ये अलग अलग प्रकार के काम इस बार मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये दीपावली तक हम कोई ना कोई एक ऐसा संकल्प करें, केवल तो ही हमारी ये इको फ्रेंडली दीपावली, यानी हम तो एक समर्पित भाव से, हमें तो गौ
वृत्ति बनना है, तो सेवा वृत्ति बनना है, तो ये सेवा वृत्ति बनने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी एक आइटम के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा एक सेवा का काम, एक राष्ट्र निर्माण का काम, एक स्वनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, एक स्वर्णिम भारत बनाने का हमारा जो स्वप्न है बहुत सालों से, एक वो भी पूरा करने में कहीं ना कहीं हमारा योगदान एक योगदान के रूप में। और नए साल में जब दीपावली के बाद गुजरात में नया साल होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दीपावली के समय ये संकल्प लेकर के हम आने वाले दिनों में गौ संस्कृति की स्थापना के लिए कैसे हम हमारा योगदान दे सकते हैं, यही मुझे लगता है कि आज के दिन का हमारा एक संकल्प होना चाहिए। अभी समय नहीं है कि भाई हमारे लिए देश क्या करे, लेकिन अभी दो दिन पहले ही 11 सितंबर गई स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण किया था, भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का झंडा पूरे विश्व में लहराने का जो उनका एक स्वप्न था, अब यह समय आया है। हमारी हिंदू संस्कृति कोरोना के काल के बाद तो खास, हमारी संस्कृति कितनी इको फ्रेंडली है, कितनी वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करने वाली है, कितनी विश्व कल्याण की कल्पना, गाय गावो विश्व से मातरो, गाय के माध्यम से ये सब कैसे हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए व्हाट आई कैन डू फॉर माय कंट्री, ये करने के विचार करके संकल्प करके आइए हम सब अपनी इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए आगे बढ़े। इसी बात के साथ मैं आप सबको कहूंगा कि अभी नई सदी का शंख बज गया है, नई सदी का संघ बज गया है, अपना फर्ज निभाना है, गोपालन गो संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। हम एक गोमय दीपावली के समय पे गोमय का उपयोग करके उन्नत राष्ट्र बनाने में हम अपना जीवन को समर्पित करें, यही भावना के साथ वंदे गो मातरम, भारत माता की जय, धन्यवाद। ये आइटम्स जो आपने बताई ये मिल कहाँ सकती है? अजीत जी आप कहाँ रहते हैं? अरे चलो, और मुझे लगता है अजीत जी आप, हाँ बस, और नहीं वो पूछे भाई साहब ने, माननीय अजीत महापात्र जी, शशि जी यदि दिल्ली में हो जी, पीतमपुरा सरस्वती हमारे बीच में, हाँ जी हमारे शशि जी, जी भाई साहब, शशि अग्रवाल जी आप सुन रही है हमारा? हाँ जी हाँ जी, हमारे बीच में अखिल भारतीय गो सेवा सह प्रमुख, हाँ, आपका आवाज नहीं आ रही? जी जी आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? अभी आ रही है, अभी आ रही मैम, आप बोलती रहिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, हमारे बीच में अखिल भारतीय गो सेवा सह प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से अजीत भाई जी हैं, अभी वो हमारा मार्गदर्शन कर भाई साहब। श्री सुरभि नमः, स्वागत है आपको, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। ये सुखमय भारत का जो ये मंच निर्माण किया गया है, भारत को सुख देने वाली मंच है, हम खुद सुखी बने, अपने परिवार भी सुखी बने, हमारे साथ साथ हमारे गांव भी सुखी बने, पढ़ने के लिए और साथ साथ में अपने घर में यदि आप करना चाहते हैं अपनी होत्र, तो उनकी पूरी आइटम भाई साहब, आप जो एचआर टीम है ना, एचआर टीम को म्यूट करना चाहिए, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं अभी मेरे को, उनकी सामग्री को ऐसा करके एक पैकेट बनाया है, बल्लभ भाई जी का जो रिकॉर्डिंग हुआ है स्पीच का, ये एचआर टीम जो है, जी जी उनको क्या देख रहे हैं आप? यस सर, ठीक है, अभी ठीक है, ओके, अरे बस ध्यान रखो ना भाई, चलो। हाँ, सभी को धन्यवाद, वल्लभ भाई जी ने अपने टीम को ही जोरदार डांट दिया, इसलिए होता है परिवार में ऐसे ही होता है।
बड़े बच्चों को डांटते रहते हैं और बच्चे भी आनंद लेते रहते हैं। सभी को फिर से जय गौ माता। हम लोगों ने आज इस सुखमय भारत के जिस मंच में आज एकत्रित हुए हैं, ये मंच भी कामधेनु गो आयोग के साथ में जुड़ा हुआ मंच है। आज की मंच जो है, बल्लभ भाई जी यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका अर्थ है कि भारत की सरकार ये प्रतिनिधित्व कर रही है। ये भी हम सब लोगों को ध्यान आए। मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसका मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरा भारत आपके साथ में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जो मंच है, मंच में जितने भी बंधु भगिनी उपस्थित हैं, सभी का जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितने को मैं ध्यान में आ रहा है, तो इसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका सोशल स्टेटस नहीं है। आप अपने आप का खुद का एक परिचय समाज के सामने किया है, आज ए बिजनेसमैन, आज ए समर्थ व्यक्तित्व के नाते किए हैं। तो मैं आज जो बंधुओं भगिनियों के साथ में बात कर रहा हूँ, ये भारत के समर्थ व्यक्तित्वों के साथ में बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से डॉक्टर बल्लभ भाई ने जिस प्रकार का विषय बहुत कम समय में दौड़ते दौड़ते रखे, क्योंकि आज 8-5-6 मीटिंग ऑलरेडी वो हो चुके हैं, आपके साथ में मेरा भी 1-2 मीटिंग हो चुकी है, तो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं हम लोग। ये दौड़ने के लिए शक्ति तो गौ माता दे रही है, दूसरा कोई नहीं दे रहा है, जो इसको मेरे को जो अनुभव है। इससे पहले मैं भारत के अपने संघ की दृष्टि से सेवा प्रमुख का दायित्व रहा, और बस्तियों के झुपड़ी बस्तियों में घूम करके काम करने के दायित्व था। तो उस समय मैं कहता था कि नारायण का सेवा में कर रहा हूं। अभी गोमाता का दायित्व मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सेवा करने के मौका दिए हैं, ये गोमाता के कृपा से है। तो आज मैं कह रहा हूं कि नारायणी के सेवा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम सभी को नारायण और नारायणी, भारतवर्ष में जितने भी दुखी है, निराश्रित व्यक्ति है, इन सभी व्यक्तियों का अगर हम लोगों ने उनको पैर में खड़े नहीं करते अपने दो पैर में, तो भारत कभी स्वावलंबी भारत या अभिनव भारत या आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। उनको भिक्षा दे दे करके बहुत बड़ा भिखारी नहीं बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा है, लेकिन उनको दीन दुखी दरिद्र भिखारी सोच करके सेवा करना, ये नारायण की सेवा है। और ये सेवा में गोमाता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आज बड़े खुशी की बात है बल्लभ भाई, परसों 2-3 दिन के पहले एक चर्चा हुई, कहाँ ये बनेगा गणेश की, मतलब अभी गोबर गणेश दोनों चाहिए, गोबर गणेश भी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, दीपक चाहिए, तीनों चाहिए दीपावली के लिए, तो कहाँ बनेगा। तो हमारे जो बंजारे हैं, आज जिसका भी वोटिंग देने के लिए अधिकार भी नहीं है, कहने से चलेगा, देश भर में घूमते ही रहते हैं, कहाँ 15 दिन तक, कहा महीना भर रहते हैं, कुछ जगह में 2 महीना रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, विशेष करके प्लास्टर पेरिस के कुछ मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं, और कुछ भी चीज बनाते हैं, टीन वगैरह का कुछ लेकर के लकड़ियों भी बनाते हैं। तो वहां अपने शशि जी जाके पहुंच गई, तो बातचीत हुई, तो वो बन सकता है क्या? शायद मेरे हिसाब से आपके पास गणेश है क्या शशि जी, जो बनाए थे अभी? अगर गणेश जी आपके पास में है तो दिखा सकते हैं, आप अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए। अभी वो वहीं पर है, कलर होंगे वो। अच्छा, अगर आपके मोबाइल पे अगर चित्र उसका है तो चित्र खोल के दिखाइए, इफ इट इज पॉसिबल दिखाइए। हाँ भाई साहब जी के पास में गणेश है, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकते हैं कि अपने देश के अंदर में जितने बंजारे हैं, कहीं राजस्थान से आते हैं, कहीं महाराष्ट्र से आते हैं, कहीं छत्तीसगढ़ से आते हैं, कुछ उड़ीसा से आते हैं, कुछ बंगाल से आते हैं। ये मोबाइल पर मैं दिखा रही हूँ। हाँ, ये इसको थोड़ा लाइट कम करेंगे तो चित्र आ जाएगा क्लियर। ये चित्र सबको भेज दीजिएगा, गणेश जी के चित्र जी, ऊपर ऊपर दिखाए, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो धन्यवाद है, गुड, रखिए। ये मैंने भाई साहब खुद बनाया है। अच्छा, आपने खुद बनाया, वेरी गुड जी। तो ऐसा है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, आज जितने विद्यालय हैं, सभी विद्यालय में गणेश और सरस्वती माता का पूजन होता है, वहां पर गणेश और सरस्वती माँ को बैठा सकते हैं। आज दीपावली प्रत्येक घर में होता है,
इस मंचे से हम जो बात कर रहे हैं ये भारत की बहुत बड़ी एक एलाइड पर्सनैलिटी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका सभी का व्यवसाय की दृष्टि से परिचय है, कर्मचारी की दृष्टि से परिचय है, मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन होंगे उनका भी लंबी चौड़ी परिचय है। आपके अपने जो बड़ी परिवार है, चाचा का, मामा का, आपके बच्चों का, उनके ससुराल का, वगैरह वगैरह जो बड़े परिवार है, ये सभी परिवारों को अभी से कंटैक्ट करके अगर हम लोगों ने गोमय दीपक बनाया, गोमय गणेश और लक्ष्मी बनाए, इस दीपावली को टारगेट करके हम पिछले साल 2.5 लाख से ज्यादा गणेश मूर्तियां और करीबन मेरे हिसाब से 4 करोड़ दीपक बने थे देश भर में। इस साल वल्लभ भाई जी जो बता रहे थे 11 करोड़, मेरे हिसाब से भाई साहब सब लोग जुड़ जाएं और जो कुछ एनजीओ से बना रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से बना रहे हैं, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं निश्चित रूप से 25 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और आप बिल्कुल सभी के सामने सीने में हाथ लगा करके 25 करोड़ के दीपक बना ये कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है आप जो 10 करोड़ की विषय बता रहे हैं ये कहीं कम से कम 5 करोड़ परिवारों में बनाइए। एक परिवार में अगर 50 बना दे तो, लेकिन एक परिवार में बना। अगर हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे चाचा जी, मामा जी, उनकी ससुराल वगैरह 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 अगर 100 परिवार है तो इस 100 परिवार में 5, 7, 10, 15 ऐसा दीपक बन गए तो 100 परिवार आ गए, साथ में 500 या 1000 दीपक आ गए। तो एक रिपोर्टिंग भाई साहब हम लोगों ने लेनी पड़ेगी कितने परिवारों में ये गोमय का दीपक गणेश जी और लक्ष्मी जी बने। ये गणेश जी लक्ष्मी जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जो विसर्जन पूजा हो जाता है दीपावली के बाद में, वो फिर से मूर्ति के नाम पर बदल जाते हैं। तो उसी मूर्ति को अपने गमले में, अपने टेरिस गार्डन में, ऐसे जो शहर अंचल में रहने वाले जो बंधु हैं उसमें अगर उसको रख करके विसर्जन पूजा किया, उसके ऊपर जल डाला, तो वो भी गल जाएंगे और वो उसी पौधे के लिए, उसी पेड़ के लिए खाद भी बन जाएंगे। ऐसे सारे दीपक भी ऐसे हो जाएंगे। अगर लेकिन दीपक को आपने अगर सुगंधित दीपक बनाया, इसमें जो धूपपत्ती बनाते हैं वो धूपपत्ती का जो मटेरियल्स रहता है, जटामसी है, नगरमुत्था है, इसमें मिट्टी नहीं मिलाना। इसमें जो अग्निहोत्र हम करते हैं, कंडे रहते हैं, उसके साथ में चावल रहते हैं, घी रहता है, थोड़ी सी हवन सामग्री रहते हैं, ये सब मिला करके हमने दीपक बनाया। घी खत्म होने के बाद में दीपक में बेस में अग्नि लगती है और थोड़े समय में बुझ भी जाती है, अपने आप बुझ जाती है। और बाद में वो सारा दीपक अगर उसमें घी में पूरा हो गया तो कभी थोड़ा ज्यादा अग्नि होता है उसको बुझा देते हैं, तो 1 घंटे तक 2 घंटे तक, बड़ी है तो 3 घंटे तक इसमें से जो धुआं निकलता है ये अग्निहोत्र का काम करता है, पर्यावरण के लिए सबसे बढ़िया है। और कोरोना का बाप भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। कोरोना ने इतने पॉजिटिव मैसेज दिया है, कष्ट दिया है, काफी कष्ट दिया है, लेकिन उससे 1000 गुना पॉजिटिव मैसेज दिया है। कोरोना क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं कि जिस शरीर में ताकत है, जिस शरीर में इम्यूनिटी पावर जितने ज्यादा अधिक है। वल्लभ भाई ने बता रहे थे कि गोबर पीना चालू कर दो, गोमूत्र पीना चालू कर दो छान करके, तो जिसके प्रोटेक्शन पावर है वहां कोरोना अंदर जाते हुए भी खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी छींक हुआ तो वायरस है, थोड़ी सी गले में खरखराहट आए तो वो भी तो वायरस के कारण होते हैं। तो वायरस सर्वत्र विद्यमान है, केवल मुंह में एक बांध देने से मास्क इसमें से वायरस नहीं रहेगी ऐसा विषय है ही नहीं। आप जब भी मास्क लो घरों के अंदर में, ये वायुमंडल में वायरस रहते हैं, लेकिन ये सारे वायरस को अंदर जो जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन पावर, अपनी ताकत जो है वो खत्म करती है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलता हूं, आप भी अनुभव कर सकते हैं, ये यूरिया DAP पेस्टिसाइड्स के बनाए हुआ खाना जो है, भोजन जो है, जो चावल है, गेहूं है, अपना जो दाल है, चावल है, सब्जी भाजी फल मूल है, इसमें से वो शक्ति नहीं है जो कि ये सारे रोगों को प्रतिरोध कर सकते हैं। केवल ही गाय गोबर गोमूत्र के द्वारा, जिसको जैविक खाद बोल सकते हैं, प्राकृतिक खाद बोल सकते हैं, गौ आधारित कृषि कह सकते हैं, उसमें जो उस जमीन से जो हमको अन्न मिलता है, वही अन्न जो है, वही अन्न हमारा शरीर के लिए चाहिए।
तो कोरोना बोलता है कि सात्विक अगर आप जाएंगे, सात्विक अन्न खाएंगे, हलाल नहीं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर रहेगी और आपकी शरीर ठीक रहेगी। दूसरा विषय है कि विदेशियों ने चक्रांत किया और हमारे धरती को नष्ट किया। आज सौभाग्य से हम प्रमाणित किया, विज्ञान ने भी प्रमाणित किया, घूम घूम करके विदेशी लोगों ने जो यहाँ पर रिसर्च किया, होयेन्सा से लेकर के 18 ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। अब डेविल इन द मिल्क्स की पुस्तक पढ़िएगा डाउनलोड करके अपने गूगल से, उसमें भी आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे। ये सभी लोगों ने बताया कि भारत के अंदर में ये शक्ति है, ये भूमि के कारण है, यहीं से जो मिलता है। तो भूमि की शक्ति कहाँ से? ये गोबर गौमूत्र द्वारा बनाया हुआ खाद के कारण है, प्राकृतिक जैविक खाद के कारण है। दूसरा है कि इनकी शक्ति जो है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक दूध पीते हैं। कभी दूध में हल्दी डाला, कभी दूध में घी डाला, कभी दूध को छाछ बनाया, दही बनाया, घी बनाया। तो ये जो सेवन करते हैं, इस कारण से इनकी शरीर में ताकत रहती है। और गाय ये संपूर्णतः माँ का प्रतिमूर्ति है। जर्सी के पास में खड़े होंगे और जर्सी ने आवाज किया तो उसका आवाज को सुनने के लिए इच्छा नहीं हुई, कान बंद करने के लिए इच्छा होगी। लेकिन गाय अगर आवाज करती है या बोलती है, अपनी भाषा में अगर कहेंगे, पलट करके उनको देखने की इच्छा होती है। गाय के शरीर में वहां हाथ लगाइए, वो अपने आप आपके पास में आ जाती है। ये जो मातृत्व भाव है, जो स्नेह है, वो प्रेम है, वो दूध में जाता है, वो गोबर में जाता है, वो गौमूत्र में जाते हैं। उस दूध दही गौमूत्र के सेवन के कारण हम सब लोगों का जो दूसरे को सहायता करने की जो प्रवृत्ति है भारत में, वो प्रवृत्ति डेवलप होता है। इसलिए अपराध कम है। अगर अपराध मुक्त भारत बनानी है तो हमको सात्विक अन्न खानी पड़ेगी और ये दूध पीना पड़ेगा। जैसे होलिस्टाइन से या अपना भैंस से या पैकेट के दूध से ये ताकत मिलती नहीं है। ये शुद्धता पवित्रता, जो भी संतान होंगे वो संतान ऐसे ही संतान बनेंगे अगर अन्न बहुत अच्छा हुए तो। तो इसी दृष्टि से हम सोचेंगे मठ मंदिर की जो स्थान है, वहां की ऊर्जा किस में है? ये जर्सी के दूध से अभिषेक करने से नहीं है, पैकेट के दूध से अभिषेक करने से नहीं है, ये भैंस के दूध से अभिषेक करने से नहीं है, ये गाय के दूध से, दही से, घी से, उससे अभिषेक, उससे अर्चना, उससे आरती, उसके द्वारा बनाए यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं तो मंदिर की ऊर्जा हमको मिलती है। तो इस प्रकार का माँ, अगर भारत की माँ ने, भारत की माता जो है, बहनें ने अगर मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे घर में जो बच्ची है, बहू है, उसके जो संतान आने वाली है, उस संतान को हम जहर नहीं खिलाएंगे, जहर नहीं पिलाएंगे, एक बार मन में संकल्प कर ली तो सारा परिवार की स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, भारत की स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी। पुरुष लोगों कान पकड़ पकड़ के दौड़ते दौड़ते ये सारा जुगाड़ करनी पड़ेगी, मां अगर मन में रख लिया तो। माँ ने कहा कि मेरे घर में जो अनुष्ठान है उसमें दूसरा कुछ नहीं होगा, कोई पुरुष का ताकत नहीं है घर में पैकेट वाला या इधर उधर वाला घी लेकर आ जाए। माँ ने घर में अगर प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे घर के जो भी अभिषेक के लिए, पूजा के लिए मंदिर में जाएंगे, वो गाय का दूध चाहिए, तो पुरुष ने गाय को ला कर रख देंगे या गाय का दूध आपके उपलब्ध करवाएंगे। चार दिन के पहले, अभी पहले बैठक में बता रहा, चार दिन के पहले विश्वनाथ मंदिर में एक बहुत बड़े ट्रस्टों का लोगों का मीटिंग था, 111 लोग वहां उपस्थित थे। सौभाग्य दुर्भाग्य से मैंने वहां पर टपक गया, तो पहले निमंत्रण था, मैंने देखा ही नहीं था मैसेज को, लेकिन उसी समय मैंने दर्शन के लिए गया और सौभाग्य के दुर्भाग्य से मैं जाते जाते मेरे को पकड़ के ले गए कि बाद में दर्शन, पहले बैठक में आओ। तो वहां गया तो वहां बैठक चली, आखिर में मेरे को बताया गया कि आपको कुछ बोलना चाहिए, और वो 4.5 मिनट केवल समय थे, 2.5 मिनट ही मेरे परिचय में खत्म हो गया, बाकी 2 मिनट। और ये पहले बताया गया कि समय पे खत्म करनी चाहिए, पहले समय पे शुरुआत तो कर लो तो खत्म तो अपने आप हो जाएगा। कभी कभी म्यूट अनम्यूट करने से कैसे, भाई साहब आप बंद करो ऐसा बोलते बोलते 10-15 मिनट, जैसे आज 27 मिनट गया, 27 मिनट के बाद में बल्लभ भाई बोले, तो इसका अर्थ क्या है कि कितने, वो 27 मिनट नहीं, उसमें से कम उन्होंने 25 मिनट कम कर दिया अपने भाषण से, जितने बोले और 25 मिनट उनको बोलना चाहिए था। तो ये जो है, अगर कहीं बाद में आप लोगों ने करते हैं,
ये एक एक मिनट को हिसाब लगाइए और सबको म्यूट अनम्यूट करने की प्रैक्टिस करवाइए, तो समय भी बचेगा, आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर में मैंने एक ही बात बताया कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग जी को अभिषेक रोज होता है, रुद्राभिषेक रोज होते हैं। क्या ये अभिषेक करने वाले भक्तों ने जो चढ़ाते हैं यहाँ पर दूध जल के साथ मिला करके हो या दूध चढ़ाते हैं, घी पंचामृत का पूजन होती है, यहाँ जो प्रसाद लगते हैं, क्या ये गौ की आधार का है? भगवान विश्वनाथ क्या भैंस जर्सी और पैकेट के दूध की प्रिय है? इतने पूछा मैंने डीएम साहब जी से लेकर सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े दो लोग थे, उनका नाम नहीं कहूंगा मैं, वल्लभ भाई उनको निकट से जानते हैं, उन दोनों सब लोगों ने सिर नीचे कर लिए। वहां पर दो बहन बैठे थे, वो खड़े हो गए। मैं थोड़ा ललकार दिया, हमको आज की मातृ संस्कृति ऐसे ही है, हमारी माँ आज ढीले ढाले मनुष्यते हैं, इसलिए मेरी गये माँ ढीले ढाला है, मेरी भारत माँ भी ढीले ढाला है। परिवार की शिक्षा दीक्षा से ही जीवन तैयार होता है। बटवृक्ष की बीज अगर दुर्बल है तो बटवृक्ष नहीं तैयार हो सकता। आम का बीज दुर्बल है तो बिल्कुल तैयार हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परिवार जो है ये संपूर्ण राष्ट्र का, समाज का, पूर्ण धरती का ये बीज स्वरूप है। ये बीज स्वरूप को परिवार को ठीक करनी पड़ेगी। इसका संपूर्ण संरक्षक ये माँ है, माँ है। अगर मां नहीं चाहेगी तो वहां बच्चे कभी भी उंगली पकड़ करके अपने पिताजी को भी नाम तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो प्रचंड शक्तिशाली भारत की मां है, जिसको हम संस्कृति कहते थे, हमारे लक्ष्मी कहते थे, हमारा देश की प्राण कहते थे, देश की शक्ति कहते थे, आज मां का मन दुर्बल है। उन्होंने हॉस्पिटल दौड़ती है और अपने बच्चे को, अपने पुत्री को, सबको दवाई खिलाती रहती है। डिलीवरी के होने से पहले, बच्चे गर्भ में आने से तुरंत दवाई शुरू हो जाती है। ये मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द भारत। अगर माँ की माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो परिवार की माइंडसेट अब चेंज होंगे। निश्चित रूप से मेरी धरती, मेरी परिवार, मेरी गोमाता और मेरी भारत माता, इनकी सुरक्षा हो जाए। इसका प्रतीक के स्वरूप में एक छोटा सा उपक्रम, ये गणेश जी का था, अभी दीपावली का है। ऐसे तहलका मचनी चाहिए हिंदुस्तान में, जो कोई बिना गोबर का दीपक, बिना गोबर गोमय का गणेश और लक्ष्मी को घर में बैठाने के लिए सोचेंगे वो अपराध कर रहे, ऐसा एक एटमॉस्फेयर बननी चाहिए। जितने भी मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं सबको बताइए, अभी बाद में दुर्गा आएगा, बाद में काली माँ की आएगी, बाद में लक्ष्मी की पूजन आएगी, गजलक्ष्मी की पूजन आएगी, जितने भी हो गए ये गोमय के बनानी चाहिए, ऐसा वातावरण हम सबको करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा आधार है हमारा, इतने वातावरण बनाना कि लोग सोचेंगे कि मन में ऐसा आ जाना चाहिए, मैंने दुर्भाग्य मेरा है कि मेरे को गोमय गणेश नहीं मिला, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे को गोमय की लक्ष्मी नहीं मिली, मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने दीपक बना के रख नहीं पाया। ऐसा एक मन के अंदर में ग्लानी जब तक नहीं आएगी ये धरती के अंदर में नहीं बचेगी। हमको गाय का सेवा जो कर रहे हैं, हम लोग गाय का सेवा नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे खुद की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार का एक मानसिकता हम सभी बंधुओं के मन में रहे तो ऐसा मैं सोच रहा हूं कि हम लोग सब करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोचा है, अपने जो 65,000 गांव में अभी इस समय शाखा मिलन मंडलियां चलती है, हमारे जो स्वयंसेवक है ये सभी स्वयंसेवक के पास में संवाद पहुंच गई है, सब लोगों ने मन तैयार कर लिया है। अपने परिवार के साथ में कम से कम 5 परिवार के साथ में संपर्क करना, पड़ोस पड़ोस में, ऐसा एक अभियान भी चल रहे है। किसी ने बोला कि नहीं 10 परिवार, तो हम हमारे तरफ से 5 परिवार बोले हैं, हमारे जो सबसे प्रमुख हैं उन्होंने बताया कि अपना परिवार और एक परिवार को जोड़ लो, अगर करते हैं तो देयर विल बी अ मिरेकल। तो 2 परिवार, 3 परिवार, 10 परिवार, 15 परिवार, इतने परिवार के साथ में व्यक्तिगत वार्ता करते हुए उनके मन में विषय को उतार दें और इस प्रकार वातावरण बना दें। मैं आपको बिल्कुल मेरे अंतरात्मा के विषय बताता हूं,
मेरा व्यक्तिगत अनुभव की विषय बताता हूँ, आपके घर में लक्ष्मी कभी अभाव नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जय गौ माता। बहुत धन्यवाद भाई साहब, डॉक्टर साहब का भी और माननीय अजीत भाई जी का भी, आए और हमारा मार्गदर्शन किया। और हम सभी इससे बहुत प्रेरणा लेंगे कि इस दीपावली पर हम सभी के घर में गोबर से बने हुए दिए और लक्ष्मी गणेश की ही पूजा हो, तो हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। मैंने एक छोटा सा बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, शशि जी मेरे को बहुत क्षमा करेंगे। यहाँ अभी 33 बंधु भगिनी एकत्रित हैं। अगर 10 परिवार में कंटैक्ट करते हैं अपना परिचित परिवार, तो 430 परिवार, 500 परिवार तक हम लोगों ने ये सुंदर सा वातावरण बना सकते हैं। अभी सभी को थोड़ा सा चांस दीजिए, 5-7 मिनट। आप सब लोगों को सजेशन क्या है, केवल सुन करके जाना अच्छा नहीं है, एक्चुअली आप सब लोगों के लिए समय मिलना चाहिए सफिशेंट। फिर भी आप सभी लोगों को इस दीपावली में क्या करनी चाहिए, आगे तो बहुत बड़ा काम करनी है। भारत पूरा संपूर्ण गांवों में, घर घर में गाय चाहिए, और शहर में प्रत्येक परिवार में दूध, दही, घी, अनाज, दाल, चावल, सब्जी भाजी, ये गौ आधारित मिलना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है 2025 तक एक भारत की एक विशेष परिवर्तन करने के लिए संकल्प लिया गया है, और हम सब धीरे धीरे कर करेंगे। लेकिन इस बार दीपावली आ रहा है, हम सब लोगों ने क्या कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियन दें, ये मेरी प्रार्थना है जी। सभी अपना अपना ओपिनियन दीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए सभी अपना। नमस्कार जी, मैं अनिल भारद्वाज, अध्यक्ष मेवात गौशाला संघ हरियाणा नूह से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बल्लभ भाई कथीरिया जी, अजीत भाई जी, शशि जी, जो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया इस दिवाली पे और इस दिवाली के बाद भी। मेरा ऐसा मानना है कि हम हर रोज को गौ में दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें। एक बात मैं क्या करूँगा उसके लिए, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी कोशिश ये होगी कि आने वाले श्राद्धों के जस्ट बाद में हम लोग दिवाली के लिए पूरे शहर को, और कोशिश तो ये होगी हम लोग पूरे हरियाणा के हर जिले को, चाहे हम कुछ कुछ लोग भी टच कर पाए, टच करेंगे और इसका उत्पाद बनाएंगे। मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमें गौ में दीपक बनाने की विधि, मशीन और उसका साँचा ये उपलब्ध कराएं, या जो भी इसके प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वो बताएं, कौन सी मशीन इसकी होगी और कौन सा, कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। अगर स्टेट वाइज को अवेलेबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो शायद हमारे लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी सभी के लिए अगर ये स्टेट वाइज हमें अवेलेबल हो जाती है। एटलीस्ट हम एक स्टेट से 1% भी जिम्मेदारी को लें और शुरुआत करें अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, तो एक शुरुआत हो जाएगी और हम आगे काम कर पाएंगे। इस जिम्मेदारी को हरियाणा से मैं लेने को तैयार हूँ और मैं, मुझे काम करना है जी। अनिल भारद्वाज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आपको सच में इस बार जो भी सांचा चाहिए, जो भी ट्रेनिंग चाहिए, ये आपको प्रोवाइड कराएगा। आप कृपया करके चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, जिससे हम लोग आपको संपर्क कर सकें और जो भी आवश्यक चीजें हैं आपको प्रोवाइड करवा सकें। अभी थोड़ी एक बात, पुरुष क्लियर करो, हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम माध्यम बनेंगे। हाँ जी, पूरे देश में जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरर है, जहाँ जहाँ साचा बनाने वाले या तो मशीन बनाने वाले हैं, उनका लिस्ट आयोग के साथ मिलकर के मिल जाएगा। वहाँ कौन काम करते हैं, किसके साथ, यदि आप एपेक्स बॉडी बना करके मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उनका भी गाइडेंस मिलेगा। लेकिन आयोग को ग्रांट नहीं करता, हाँ ट्रेनिंग दे सकता है, ऑनलाइन करवा सकता है, जो ट्रेनिंग देते हैं उनको आपके सामने जोड़ देंगे।
के पास 50 महिला है और उन्हें सिखाना है तो कैसे उनको ट्रेनिंग दी करवा सा एक माहौल बनाने का और एक दूसरे को कर... ठीक है भाई साहब जी बोलिए बोलिए बनता है चाहिए तो आपको उनका फोन देंगे उनके बाद की बातचीत भी करवा देंगे लेकिन बाकी बिजनेस तो आपको ही करना पड़ेगा आगे बढ़िए हेलो ठीक है भाई हेलो जी बोलिए बोलिए हेलो हेलो बोलिए नमस्कार सर जी सर सुन रहे हैं आपको हाँ जी गिर सोमनाथ जिला से हूँ गुजरात से हेलो जी बताएं जा रही है अरे 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 मैं गिर सोमनाथ से हूँ और मुझे जो गोना बोलिए बोलिए गोनाइल और धूपबत्ती वगैरह बनाना है तो 6 गाय तो इनसे मैं कर सकता हूँ तो इनके लिए मुझे प्रशिक्षण चाहिए माहिती चाहिए कि कैसे बन सकता है और वल्लभ भाई का एक खास ध्यान है ये दौड़ना चाहता हूँ मैं कि ये जो सरकार ने 900 रुपये गोपालन के लिए देने के लिए कहा था इनमें सिलेक्ट हुए नाम उनमें से किसी के पास गाय देसी गाय नाम की चीज ही नहीं है उनका नाम सिलेक्ट किया गया है तो इनमें कोई गाय के नाम से घोटाला ना हो जरा उसका ध्यान दीजिए शशि जी के पास में अपने पुरेश जी के पास में वो साहित्य है जो भी आज अबनेर में है हाँ जी तो सभी के पास में ये साहित्य भेज देंगे आज ही भेज देंगे आप लोग के पास में पहुंच जाएगा उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए उसमें कृषि प्रोडक्ट गो चिकित्सा और मनुष्य चिकित्सा 4 प्रकार की साहित्य है 50 पेज का आपको हम भेजते हैं इसमें सारा है भाई साहब जी बताइए आप कुछ दिखा रहे थे बताइए आप देखिए हमने अभी एक हवन कुंड बनाया था अभी ये कोरोना और ये जो चल रहा है ना हवन करना चाहिए लेकिन कैसे करेंगे आप हवन तो उसके लिए क्या क्या होते हैं एक छोटा सा लड़का एक ये हमने भवन से बनाया जी इसका फॉर्मूला सबको भेज दीजिए कृपया इसका फॉर्मूला कुछ नहीं सर ये कब का बनाया हमने ये भवन से बनाया और इसमें अभी जो आप हमें सामग्री बता रहे थे जो धूप बत्ती में अपन डालते हैं वही धूप बत्ती की सामग्री हमने इसके अंदर भर दी और आप ये देखिए छोटा सा कितनी बढ़िया ये देखिए आप ये ऑक्सीजन दे रहा है एक तरह से देखिए आप बिल्कुल 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 उस जो राख है ना वो राख सुनिए इसमें जो राख राख बचेगा वो राख को फेंकिएगा मत उसमें 10 गुना पानी मिलाकर पौधे में डाल दीजिएगा और दूसरा हम लोग देखिए दीपक बनाने हैं अभी एक्चुअल में क्या देखिए जो कुमार है बेचारा वो भी अभी नहीं, उसको भी रोजगार नहीं है क्षमा तो करेंगे आप सजेशन दीजिए एक तो आप लोगों ने जितना बना रहे हैं अपने मिट्टी का दीपक करते हैं साहब कोई सांचे या मोल्ड की जरूरत नहीं है मैं वही बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं बात को खत्म करूँ मिट्टी का जो दीपक आता है वो आप दीपक लीजिए कुमार को भी रोजगार मिलेगा और उसके बाद क्या उसमें गोबर लीजिए गोबर में हवन सामग्री मिला लीजिए और आप उसको उसमें भर दीजिए और एक खाका कर दीजिए आप उसके अंदर कोई मोल्ड की जरूरत नहीं है कोई किसी से कोई आपको राय लेने की जरूरत नहीं है आपका बिल्कुल दीपक तैयार हो गया वो जो है हम पिछले 4 साल से बना रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं लोग उसको ये देखिए आप क्योंकि वो जब जलेगा ना पूरा तो वो क्या दीपक जो है जो मिट्टी का दीपक है वो उसको कोई लकड़ी को या आपके फर्श को या कहीं भी काला या जलने नहीं देगा उसको तो आप सीधा सा ये है कि मिट्टी का दीपक लीजिए उसके अंदर जो है गोबर का एक लड्डू बनाइए लड्डू बना के उसमें रखिए और उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए बीच में खड़ा हो जाए केवल इतना सा काम करना कोई मोड की जरूरत नहीं है और आप ऐसे दीपक बनाइए मैं कह रहा हूँ बहुत पसंद करेंगे लोग उसको और जब इसमें अपन नहीं 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 लेकिन अरे जी लेकिन सर वो डबल कॉस्ट हो जाएगी सर ऐसा मिक्स मत करिए ऐसे मिक्स बात मत करिए आप अपना काम करना शुरू करिए लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं करना है ये यूनिवर्सल नहीं करना है तो जो हमारा दीपक का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा आपको दीपक की गोली डालना कहे थे ये बात मत करो ये बात फैलाओ भी मत जी सर वल्लभ सर इसमें एक और चीज में डबल खर्च हो जाएंगे डबल कॉस्ट हो जाएगा सर इसमें सर नमस्कार सर हो जाएगा हेलो मिट्टी का दीपक 50 पैसे का आता है तो उस कुमार को भी रोजगार मिलेगा
साथ में जो है ना वो बिल्कुल आप कुमार को जो अपन उसे पूरे जलाने की बात कर रहे हैं ना, आप जो बता रहे हैं कुमार के साथ में बात करके कम से कम 100 कुमार से मेरी बात हो गई, उन लोगों ने वही दीपक अभी बना रहे हैं और उन लोगों ने 1 करोड़ दीपक बनाने वाले हैं, 1-2 दीपक नहीं, वो तो पूरा जलता नहीं, मिट्टी डालते तो जलता नहीं है पूरा, और पूरा जलेगा तो नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो पिछले साल हम लोगों ने 2.5 करोड़ दीपक बनाए, जिस प्रोसेस में बता रहा हूँ उसी प्रोसेस में बनाए, तो उसमें 5 करोड़ रुपया उन लोगों को मिला, 1-2 रुपया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो आप प्रोसेस बता रहे हैं इसमें से खर्चा बढ़ जाएगा, कुमार की काम बढ़ जाएगी भाई साहब, मैंने आपको बंजारों की विषय जोड़ दिया ना, कुमार से और हिंद दृष्टि से हम देखते हैं, कोई पूछते नहीं है, आज भारतवर्ष में 2 करोड़ से ज्यादा बंजारे हैं, आज ये 2 करोड़ से ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से जो घरों में रहते हैं और बाहर घूमते हैं ये 4.5-5 करोड़ के आसपास है, इनकी व्यवस्था सोच रहे हैं हम, तो कुमार को कैसे नहीं सोचेंगे, तो कुमार को छोड़ना नहीं, कमार को छोड़ना नहीं, बढ़ाई को छोड़ना, किसी की जो काम है छोड़ना नहीं है, हमको सबको समर्थ करके खड़े करना है समाज, इसलिए जो दीपक हम गोमय दीपक का सोच रहे हैं ये सोच समझ करके कर रहे हैं, गाय के लिए सोच रहे हैं, अगर आप गाय के नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये केवल गोबर में रखकर करते हैं, ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें से दीपक गोबर का नहीं बनेगी और कोई घी उसमें नहीं रखेगा, और उसके जो उद्देश्य है जैसे पूर्ति नहीं होगी गाय के लिए नाम पर। चलिए आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़िए, और कोई? सर मैं संदीप शर्मा सर, राष्ट्रीय लोक सेवा संघ का नेशनल कन्वीनर सर जी, जय गो माता की सर। आपका चेहरा दिखाओ। हाँ सर, एक मिनट सर जी, मैं सर सर अभी आ रहा है सर, आ गया आ गया आ गया जी सर, नमस्कार सर। सर मेरी वैसे तो सुबह वाले सेमिनार में भी बातचीत हुई थी साहब से, और फिर उसके बाद मेरी पुलिस जी से भी बातचीत हुआ है, काफी 1 घंटा डिस्कशन हुआ है, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का जो मिशन है, जो हमारा एक गांव भक्ति क्रिएट करने का हमारे सिटीजन के बीच में, पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए जी जी। हाँ सर, पॉइंट ये था सर, हमारा डिस्कशन हुआ था सर, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकली और जो चेन मार्केटिंग का सर काम है, चेन मार्केटिंग मैं देख लूंगा, मैं हमारा पूरा संघ है जिसमें सर हमारा 15 राज्यों में सर हमारा भी टीम खड़ी हुई है सर, उसमें हम देख लेंगे, लेकिन सर उसमें जो गौशाला वाला मैन्युफैक्चर करेगा और जो हम जो मार्केटिंग करेगी या राष्ट्रीय कामधेनु के अंतर्गत में हम काम करेंगे सर, उसमें प्राइसिंग का थोड़ा सा वो कैसे सॉर्ट आउट करे, क्योंकि जो मैंने देखा है मार्केट में सर्वे किया है सर अभी पिछले 1 वीक में, लगभग सर जो उसकी जो प्राइस आ रही है वो 3.5 रुपए से 4 रुपए तक आ रही है सर, और सर अब उसमें मशीन बनाने के लिए, मशीन लाने के लिए, मशीन को खर्चा लाने के लिए, अभी कुछ गौशाला बोल रही है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो हम इमीडिएट इतना फंड पैसा ला के दे दे, तो सर इसमें थोड़ी सी सर आपका मार्गदर्शक चाहिए था कि इस चीज को हम कैसे सॉर्ट आउट करें सर। हाँ, उसको बल्लभ भाई जी बोलेंगे, शशि जी बल्लभ भाई जी थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ, मेरा एक अलिंडा बैठक ऑलरेडी 15 मिनट पहले चालू हो गया है, मेरे को उसमें थोड़ा जैन करना पड़ेगा, आप और बाकी सभी मिलकर के इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, जय गो माता, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तो राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के माननीय भाई श्री ने जो बात बताई है, देखो इसमें अपने देश में तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना है, इसलिए कहीं कोई एक ही आइटम और एक ही क्वालिटी तो बनने वाली वैसे भी नहीं, इसीलिए कहीं 1 रुपये में बेचने वाले भी मिलेंगे, कहीं 5 रुपया भी लेने वाला भी मिलेगा, कहीं 10 रुपये भी बेचने वाले मिलेंगे। हमें तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा गौशाला वाला ये अच्छी अपने तरीके से अच्छे दीपक बनाए, उसमें आप बोलते हैं इतना 10-12 हजार रुपया भी कोई खर्च नहीं कर सकता, ये बात कहते हैं तो गलत है, तो उनको देना पड़ेगा 10-12 हजार में जो मशीन आ जाता है, नहीं नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, कि जो मशीन आता है 4 हजार से लेकर के 12 हजार तक का आता है, जिसमें महिलाएं अपने सेमी ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें महिलाएं अच्छी तरह से दीपक बना सकती है। दूसरा एक
गौशालाएं बनाएगी, बड़ी गौशालाएं, तो उनके पास कम से कम 5-25 हजार, 1 लाख रुपया खर्च करने का तो उनको तो इतना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो सब कुछ करेंगे ऐसा तो होने ही वाला नहीं है, स्वनिर्भरता की बात है, तब खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा और आपका काम क्या होगा, और जो हमारे साथ आपके साथ जुड़े, जैसे कि भाई आपके 50 गौशाला में से 10 लोगों ने आपके साथ टाइम किया, तो आप 10 के साथ काम करिए। बहुत सी गौशाला ऐसी होगी कि जो खुद अपना काम करेगी, खुद का आपके पास मिल जाएगी ना और किसी पास, और खुद अपना माल बेचेगी, तो उनको वैसे भी करने दो, वो खुद अपना मार्केटिंग करेगी। जिनके पास मार्केट नहीं है इनके लिए हम जाएंगे, और उनमें भी आप ही उनको डायरेक्ट बातचीत करना है कि भाई आपका दिए गए कीमत हम ये इतने प्राइस से लेंगे और बाद में आपको बेचना है, वो टाइप आपको ही करना है, और उसमें भिन्न भिन्न अलग अलग एरिया में अलग अलग दाम हो सकते हैं, इसलिए उनकी चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। और आगे बढ़िए शशि जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। शशि जी, शशि मैडम जी, भाई साहब, शशि जी आप, हाँ जी भाई साहब, हाँ आप बोलिए अब आगे जी। आप और कोई अभी प्रश्न, अभी किसी का और कोई प्रश्न हो तो, हाँ जी कोई और प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई पूछना चाहते हैं तो। एक तो बात उसमें अवेलेबिलिटी की है। हेलो जी, सबको नमस्कार। अवेलेबिलिटी ऑफ, पहली बात तो ये चीजें जो आपने बताई इतनी, कि इतनी चीजें गोमूत्र से और गौ से बन सकती हैं, गोबर से, इनकी एक तो अवेलेबिलिटी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि ये कैसे अवेलेबल हो जनमानस को, जन साधारण तक पहुंच सके, पहला तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, बनाते हैं लोग। अरे 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 तो यही तो काम कर रहे हैं ना, वेबिनार, आज का वेबिनार, आज दिन में हमारे चार वेबिनार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों से, यही तो काम है, और इसमें दोनों को जोड़ना है, बनाने वाले को और बेचने वालों को, और इसके पब्लिसिटी का काम हम करते हैं, वही तो हम कर रहे हैं ना, कि बहुत सी गौशाला को पहले ऑर्डर मिलेगा, पैसी गौशाला ऐसी भी होगी कि जिनको ऑर्डर मिलेगा तो बनाएंगे, तो हमारे काम ऑर्डर देने का भी है, लेने का भी है, कहीं ऐसी है गौशाला बना करके रखेंगी और बाद में बेचेगी, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्रुप है, उसमें हमें जहाँ जितना भी काम हो सके, कहीं ना कहीं आपको सपोज कि आप सुबह में आईटी वाले दिल्ली वाले थे, वो मार्केटिंग करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या एक बना दिया है, और पूरे देश से ऑर्डर बनाने वालों को, ऑर्डर देने वालों का वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बोलिए भाई आप कितने दिए बनाएंगे, वो कहते हैं सर मैं 10,000 दिए बनाऊंगा, तो उनको बाद में कहते हैं कि आपको इस क्वालिटी के दिए बनाने पड़ेंगे, उनकी ये क्वालिटी होगी, ये स्टैंडर्ड होगा, और उनके आधार पर आपको बाद में ऑर्डर लेकर के हम आपको ऑर्डर देंगे, और सामने वाला यदि कन्विंस होता है क्वालिटी में तो दोनों का काम बन गया। वैसे आप भी करिए कोई नहीं, और प्लेटफॉर्म बनाने के यदि आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसी 10-20-50 गौशाला से जुड़िए, उनको बताइए कि भाई इसी क्वालिटी का हमें चाहिए, और इसके आधार पर हम इतना दाम भी आपसे लेंगे। बहुत सी गौशाला ऐसी भी है जिनको अभी भाई साहब ने बोला सेवा संघ वालों ने, तो एडवांस में पैसा भी देना पड़ेगा आपको, चलो भाई हम 10,000 दिए का ऑर्डर देते हैं आपको, पहले हम 10,000 रुपये दे देते हैं, 10,000 रुपये में आपका मोल बन जाएगा, और बाद में जो उनका कोड बाद में पेमेंट, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये सब बातें, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, ये सब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बातें हैं, मैं कह रहा हूँ उसकी उपलब्धता, हम किसी को समाचार भेजें, किसी को व्हाट्सएप भेजें, किसी को कोई पत्रक भेजें, उसको उसकी उपयोगिता बताएं, उसकी उपलब्धि कहाँ है, वो उसको पता, उसको फोन नंबर वो सब कुछ देना पड़ेगा ना, और वो हर एरिया के हिसाब से होना चाहिए, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज मिल सकती है, ये सब तो मुझे कहाँ से मिलेगी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पूरा उनका बना, नहीं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग तो कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समाचार होना चाहिए। सर इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, साहब को जो साहब का एक डाउट है ना सर जी, मतलब सर मुझे ऐसा लग रहा है साहब का ये है कि जैसे मटेरियल मैन्युफैक्चर हो गया, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है सर,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा वहाँ पे कौन मार्केटिंग करेगा, तो सर उसमें जो है आप भी बन सकते हैं कुछ ऑथराइज, जैसे डीलर शोरूम से ऊपर से आई गाड़ी बन के डीलर पे आई और डीलर फिर वो सेल करेगा, और डीलर की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया में वो मार्केटिंग करे कि भाई हमारे यहाँ पर टाटा सुमो आई है और ऐसा ऐसा है। सेम थिंग हम इसमें कर सकते हैं कि हमारा जो जिला पे आदमी बैठेगा, सपोज करो आलोक जी जिले पे रोहतक जिले में बैठ गए या दिल्ली में बैठ गए, अब उनकी जिम्मेदारी है कि गौशाला से प्रोडक्ट लेके आए, मैन्युफैक्चर यूनिट से लेके आए, और फिर उसके बाद उसको अपने जिले में प्रचार प्रसार करें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अब की भाई या दुकान के थ्रू या लोकल एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया के थ्रू कि भाई हमारे यहाँ पे गांव में प्रोडक्ट्स बनते हैं बेचे जाते हैं, और जो प्योर ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो भी अपना सकते हैं, जो राष्ट्रीय गौ सेवा संघ भी हम भी यही करने वाले हैं सर, तो इसमें हम सर हम आपकी मदद कर सकते हैं यदि आप बोलोगे तो, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि सर हमारा जिले स्तर तक हमारी टीम है सर हमारे पास। सर मैं यदि सुनिए आपने कहा उसी लाइन पर मैं जा रहा हूँ कि धीमे धीमे जैसे आपका राष्ट्रीय गौ सेवा संघ है, आईआईटी वाला का अर्थ ग्रुप है, ये नागपुर वाला एक ग्रुप है, एक राजेश डोगरा का अपना एक ग्रुप है, ऐसे देश भर में हम अलग अलग ढूंढ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर भी क्लियर होगा, हम एक नंबर भी रखेंगे जो नंबर से भी आपको माहिती मिलेगी कि भाई आप पंजाब में चाहते हैं तो पंजाब में इनका कॉन्टेक्ट करिए, इनके आधार पर वहां के आपको कौन कौन है उनसे मिल जाएगा, तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हम बना रहे हैं, एक हफ्ते में शायद बन जाएगा। आलोक कुमार बंशल जी आप जरा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सोशल मीडिया के थ्रू टच में बने रहिए, आपको ये ऑर्डर करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा और आपके राज्य में आपके डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबिलिटी किन किन जगहों पर है उसकी लिस्ट आपको बहुत जल्दी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सोशल मीडिया और वेबसाइट पर मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया पूरे जी, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी जी साहब, हमारा भी नेटवर्क देखिए, अभी दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोल्हापुर है, बेंगलोर है, हमने 11 जगह जो है हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे, आप हमारे से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हर चीज अवेलेबल हम कराएंगे सर। आपकी भी साइट को हम लोग राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पे दिखाएंगे, हम लोग का यही काम है कि जो बना रहे हैं उनको खरीदने वालों से मिलाना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, फाइन, यही हमारे को चाहिए, हमारा काम यही है एक गो कृति हो कि जो कोई भी हो उनको प्रमोट करना, हमारा काम ही यही है। मेरा एक सजेशन था सभी साथियों से कि सिर्फ इसको हम जो गौ मिशन की बात कर रहे हैं वास्तव में ईमानदारी से एक मिशन के तौर पर काम करेंगे, और इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ अपने आप में नहीं जीना है कि अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट आता है तो ये नहीं कि मैं ही उसका पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग करूं, उससे हमारा सदियों लग जाएंगे इसको पहुंचने में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी जो प्रोडक्ट को बनाता है उसका ईमानदारी से पूरा डिटेल बताए कैसे बनाना है। हम लोग चाहे टाइम टू टाइम अपनी वीडियो बना के कामधेनु आयोग के साइट पे डाल दें या कहीं भी डाल दें, जहां भी डाल लें, इससे क्या है कि कोई भी सीखेगा, बनाएगा और सभी को फायदा मिलेगा। अगर हम ऐसे करने लगे कि मैं बनाऊंगा तो मैं ही बनाऊंगा तो वो बात नहीं बनेगी। सही बात है, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, पूरे देश में ऐसे अनेक लोग आगे आ रहे हैं जो बनेंगे और वो अपने हम उनको सबको प्रोत्साहित करेंगे। हमारा काम सबको जोड़ना है और डिसेंट्रलाइज व्यवस्था से, डिसेंट्रलाइज विकेंद्रित व्यवस्था से बहुत से लोग बनाने वाले भी आए, बहुत से लोग बेचने वाले भी आए और बहुत से लोग हमारे जैसे प्रचार करने वाले भी निकलेंगे, तो ये कारवा बनता जाएगा। ओके, चलो, मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आने वाले दिनों में हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। शशि जी, बिल्कुल, धन्यवाद करिए जी भाई साहब, आप इस प्रोग्राम में विकसित सुख में मंच भारत मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो इतना कीमती समय अपना दिया और हमें बहुत कुछ सभी को सीखने को मिला, और हम सभी संकल्प लेंगे इस बार गोबर, गाय के गोबर से बने हुए दिए और लक्ष्मी गणेश जी हम अपने घर में स्थापित करें और तभी पूजन करें। हाँ भाई, इसीलिए तो दिल्ली की जिम्मेवारी तो पूरी आपकी लेनी पड़ेगी जी, हम लेंगे भाई सब बस। हाँ जी, चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम, जय गोपाल, जय श्री राम, जय 33 कोटि देवी देवताओं को धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को आप लोग लेफ्ट साइड करते जाएं, लाल वाला बटन दबा के। दिख रहे ना सभी मीटिंग खत्म है या कोई आगे क्या हुआ? सभी आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी चल रहा है ये मीटिंग अभी करवा था तो बोला था ये याद करवाया।